सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इग्नोमेट चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। सो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन। एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करें, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे एकदम से लिखा हुआ है सब कुछ। पहला स्टेप हमारा होता है कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब सलाम करना, सलाम दुआ करना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग कह दीजिए, अगर आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, एंड अगर इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग कह सकते हैं आप। एंड अपने हिसाब से जो भी आपका ग्रीटिंग स्टाइल है, ग्रीटिंग कल्चर है, वैसे आप ग्रीट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो होता है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ उसके साथ में कि आप कौन हो, कहाँ से, वगैरह वगैरह। एंड द फाइनल स्टेप इज उसका हालचाल पूछिए। यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं ना, हालचाल भी पूछते हैं फिर। तो ये आपका सिंपल सा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए स्टेप होता है। तीन स्टेप इसमें होते हैं, ग्रीटिंग, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड उसका वेलबींग पूछना। और अब हम सीखेंगे टॉप इंग्लिश वर्ड्स। इसमें पहला वर्ड जो है वो है क्लाइनोमेनिया। क्लाइनोमेनिया ये एक नाउन है जिसका मीनिंग है एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड। स्टे इन बेड यानी आपके मन नहीं हो रहा है ना बेड से उठने का, बहुत ही डिजायर है सोते रहने का, पूरा दिन यार बस सोते जा रहे हैं, मन नहीं भर रहा है, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, क्लाइनोमेनिया। देखो कितना प्यारा वर्ड है यार, सोने में भी इतनी अच्छी हो गया, वाह वाह वा, मजा आ गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा जो वर्ड है वो है फ्लूवियोफाइल। ऐसे करके कैसे, फ्लूवियोफाइल ये भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है लवर ऑफ रेन, यानी बारिश का, बारिश के प्रति उसका बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, जो बारिश से प्यार करता है। एंड हमारा जो लास्ट वाला वर्ड है वो है यूफोरिया। ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं यार, बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा। सो आज के वीडियो में इतना ही बस, और आपको पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। Thank you so much.